नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जस्टिस मधुरेश प्रसाद के बेंच में जो केस चल रही थी वो खारिज कर दी गई थी। इसके बाद पटिशनर दिलीप कुमार के नेतृत्व में छात्रों ने पटना हाईकोर्ट में डबल बेंच में केस किया था SLP के रूप में, जिसकी की सुनवाई आज निर्धारित थी। सुनवाई मात्र 2 मिनट चली है और सीधे तौर पर जज ने इस केस को खारिज कर दिया। यानी कि जो छात्रों को उम्मीद थी पटना हाईकोर्ट के डबल बेंच से, उन सारी आशाओं उम्मीदों पर विराम चिन्ह लग गया है और अब छात्रों के पास उच्चतम न्यायालय जाने का भी कोई समय नहीं बचा है, क्योंकि कल से ही मुख्य परीक्षा 64वीं की आरंभ होने वाली है। छात्रों के साथ पटना हाईकोर्ट ने जो अन्याय किया है उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती है, क्योंकि अब छात्रों के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि किसी भी स्थिति में छात्र आज सुप्रीम कोर्ट में केस को एडमिट नहीं करा सकते। इसलिए जो भी निर्णय कोर्ट का आया है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और जो भी छात्र कल मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं चैनल की तरफ से उनको शुभकामनाएं, और जिनको भी इस BPSC के अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कारण मुख्य परीक्षा देने का मौका नहीं मिल पाया है, अब उनके पास एक ही विकल्प बचता है कि वो 65वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी में जुट जाएं। लेकिन इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ हमें सड़कों पर उतरना ही होगा, क्योंकि अगर 64वीं में हमने मान ली तो 65वीं में भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए इस व्यवस्था को अगर सुधारनी है तो जन आंदोलन, क्योंकि कोर्ट के जरिए जो न्याय मिलने की उम्मीद थी छात्रों की, वो उम्मीद सिंगल बेंच ने भी धराशायी कर दी और डबल बेंच ने तो उस पर कुछ सुनवाई ही नहीं की, 2 मिनट के अंदर SLP को खारिज कर दिया। यानी कि जो छात्रों को न्याय व्यवस्था से उम्मीद थी वो उम्मीद अधूरी रह गई। धन्यवाद।